दमदार एक्टिंग से लोगों को दीवाना करने वाले, अपनी आवाज से लोगों का दिल जीत लेने वाले बॉलीवुड के शहंशाह 77 साल के हो गए हैं। वहीं बिग बी के फैंस ने अपने अपने तरीके से उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। आइए दिखाते हैं आपको कुछ ट्वीट्स। विशिंग यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे सर, पेंटिंग्स मेड बाय मी फॉर यू सर, लव यू सर। हैप्पी बर्थडे टू द लिविंग लेजेंड ऑफ इंडियन सिनेमा, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू यू फॉर योर कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स इट। प्रेइंग फॉर योर हेल्दी लाइफ, वी होप दैट यू विल एंटरटेन अस फॉर द अपकमिंग ईयर्स ऑल्सो। हैप्पी बर्थडे अमिताभ बच्चन, विशिंग अ वेरी हैप्पीएस्ट बर्थडे विद ऑल गुड विशेज, जॉय, हैप्पीनेस एंड गुड हेल्थ। Happy birthday to the legend Shri Amitabh Bachchan ji, a very happy birthday, 30 bumper opener, so many memorable films, first pan India superstar, one man industry, happy birthday legend. Today is birthday of a man who is idol for billions of people. He is full of energy, there is no age barriers for him. He is another name of entertainment, he is none other than great superstar Amit ji. May Almighty bless him with long and healthy life. आपको बता दें, ट्विटर पर हैशटैग हैप्पी बर्थडे अमिताभ बच्चन ट्रेंड कर रहा है और लोग सोशल मीडिया पर उन्हें लगातार बधाइयां दे रहे हैं। कहना गलत नहीं होगा कि आज भी बिग बी के चाहने वालों की कोई कमी नहीं है, और होगी भी क्यों, क्योंकि वो सालों से लगातार अपने फैंस को एंटरटेन करते आ रहे हैं। यही वजह है कि बिग बी आज के टाइम में भी बड़े बड़े स्टार्स को मात देते हैं, फिर वो चाहे एड्स के मामले में हो या फिर फिल्मों के मामले में। वहीं बात करें अमिताभ के वर्क फ्रेंड की, तो हाल ही में वो चिरंजीवी के साथ फिल्म सायरा नरसिम्हा रेड्डी में नजर आए थे। इस फिल्म में उन्होंने दमदार एक्टिंग की थी। वहीं इसके अलावा बिग बी के पास कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जिनमें से एक है अयान मुखर्जी के डायरेक्शन में बनी फिल्म ब्रह्मास्त्र, जिसमें आलिया भट्ट और रणबीर कपूर नजर आएंगे। इसके अलावा गुलाब और सिताबो और चेहरे जैसी फिल्मों में भी अमिताभ बच्चन दमदार रोल करते दिखाई देंगे। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारी तरफ से अमिताभ बच्चन को हैप्पी बर्थडे।
हमारा रेफरेंस। बोले उधर चलो, उधर आ जाएंगे। हाँ आएंगे आएंगे। चलो यहाँ गाड़ियाँ डिस्टर्ब करेगा। बाय रोल है। ओके तो आज मिस्टर अमिताभ बच्चन का 76वां जन्मदिन है, तो क्या बधाई देंगे आप उनको अपने अंदाज में? आप जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। गंगा मैया में जब तक के पानी रहे, मेरे शहनशाह तेरी जिंदगी नहीं रहे। जब तक चांद और सूरज रहे, अमिताभ बच्चन साहब आपका नाम रहे। मेरा नाम कन्हू भाई ठक्कर है, मैं कच्छ गुजरात से आता हूँ। हाल ही में मैं नासिक में रहता हूँ, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मुझसे बड़ा चाहने वाला अमिताभ बच्चन का शायद उस दिन नहीं है। मेरे हर वक्त हरदम रात को भी बच्चन साहब मेरे साथ ही रहते हैं। मैं अपने आप को कभी अकेला महसूस नहीं करता, बच्चन साहब हरदम मेरे साथ ही रहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि मुझे अमिताभ बच्चन के नाम से लोग जानते हैं, इससे बड़ी खुशी और कर सकती। दुनिया के सबसे मैं भाग्यशाली आदमी के नाम एक आदमी हूँ। बच्चन साहब मैं किसी को नाराज नहीं करता, 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे बच्चन साहब के चाहने वाले आते, फ़ोटो खींचना है, किसी को काम का काम है, मैं किसी को नाराज नहीं करता। और मुझे पूरा भरोसा है कि आज बच्चन साहब भी मुझे नाराज नहीं करेंगे। बच्चन साहब मेरे भगवान हैं। 3 दिन पहले मेरे को अटैक आ गया था, हॉस्पिटल से सीधा यहाँ में आए। और उनके लुक लाइक भी हैं, जिनके पिक्चर आ रही है थग्स ऑफ हिंदुस्तान, उसके लुक में आप तो आप बताइए कि ट्रेलर देखा आपने? ट्रेलर तो पहले देखा मैंने पहले आधा एक शूट बनाया था, फिर उसका ट्रेलर मैंने देखने के बाद मुझे पता नहीं था नीचे क्या है। फिर मुझे ऐसा लगे नीचे धोती है और ऑल बूट है। फिर अलग अलग मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं, और अमिताभ बच्चन जी का म्यूजियम भी है मेरे पास, जैसा लंदन में मैडम तुसाद के पास वैसा मेरे पास अमिताभ जी के घर पे हूँ। एक स्टैचू लेके आया था, उसने पूरे फोटोशूट किया, एक लेटर भी दिया कि मैं जब आऊँगा तब मैं आपका ओपनिंग करूँगा। फिर कि पिनाकिन गोयल जो हमारी खुशबू है गुजरात की, जो गुजरात के ब्रांड एम्बेसडर हैं, और उनके पंडित और हमारे जो ज्योतिष है दोनों मिला के मेरी हस्तरेखा उनके मिलती जुलती है। और वो उसने ब्लॉग भी रखा है कि मेरा जन्म हो गया है, वो अनजाने में काम चालू है, जैसा आप अभी देख रहे हैं।